मंदिर मातरम पर 51 खंड का खंड का तैयार हो सकते का मैं एक बार चाहता हूं एक बार मैं पुनः घोषणा करता हूं इस बात के लिए कि एक बार जोरदार का कर दिया कि वंदे मातरम वंदे मातरम का मैं पढ़ना शुरू करता हूं वहां कि वंदे मातरम है क्या कि धर्म ध्वजा फहराने मातृभूमि को बचाने शिवाजी ने चली वही चाल वंदे मातरम और झांसी वाली रानी रण चंडी बन खेलती थी तलवार बल की वधार वंदे मातरम पुराण जी के भाल पर जित से किया तिलक रानियों का वही पूजा भाल वंदे मातरम और शत्रुओं का काल बना पशु बेहिसाब उसी चेतक के कदमों की ताल वंदे मातरम चेतक के कदमों की ताल वंदे मातरम लेकिन एक मंत्री जी का देश में बयान आता है कि जिसको वंदे मातरम गाना होगा जिसको ना गाना होना है चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ वंदे मातरम का विरोध करने वालों के संदेश करता हूँ कि राष्ट्र गीत गाने या न गाने का विकल्प किया इस अच्छा दुकान को सलाम मानता हूँ मैं वंदे मातरम राष्ट्र गान नहीं बन सका जिन्ना के सबूतों का ही काम मानता हूँ मैं जिसके भी होंठ नहीं छूते मंत्र गीत उन्हें पाकिस्तान का गुलाम मानता हूँ मैं उन्हें पाकिस्तान का गुलाम मानता हूँ मैं वैसे कुर्चालियों का भारत की धरती पे एक सांस लेना भी हराम मानता हूँ मैं एक सांस लेना भी हराम मानता हूँ मैं इस देश में धर्म निरपेक्षता के नाम पर बहुत सी बातें की जाती हैं जिस देश में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं जो एक दूसरे को मारना पाप समझते हैं उन्हें धर्म निरपेक्षता की बातें सिखाई जाती हैं और सिखाता कौन है जिसके देवी की थाली में मुर्गियाँ और अंडों की बोझा रखती है वो लोग धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं पर चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि असली धर्म निरपेक्षता क्या है कि धर्म निरपेक्षता की पीटते हैं वो किंतु राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं है वो और कर्म आए थी कि भूमिका निभाई हर बार देश की परंपरा के लायक नहीं है वो खाते इस देश की बजाते कहीं और की जो किसी भी प्रकार सुखदायक नहीं है वो और जिनका धर्म राष्ट्र धर्म से महत्वपूर्ण भारत में रहने के लायक नहीं है वो भारत में रहने के लायक नहीं है वो एक नई पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी उसका एक बड़ा काम करा देता कहता है कि कश्मीर में जन्म संग्रह करवा लेना चाहिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत को देश है जहाँ पे भारत ने जन्म लिया जो बचपन में सिंह के दांत गिना करता था आज उस देश के औकात यहाँ तक आ गए कि हमें कहना पड़ रहा है कि कश्मीर पर जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए जिससे हमारी क्षमता ये होनी चाहिए थी कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि हमें लाहौर को जन्म कराना है बोलो खतरा होगा तब मैं बात करना चाहता हूँ तब मैंने लिखा एक नेता को संदेश देना चाहता हूँ अगर ये संदेश मैंने आप सभी के हृदय से निकाल दिया हो तो एक बार जोर का तालियां बजाइएगा कि मेरी सदियों से हम कन्या कश्मीर के वलिनी दिव्य भव्य तकदीर की लकीर के और पूर्वा व पशुआ समीर के ऋणी हैं हम आज से ऋणी हैं गंगा यमुना के नीर के तो रामचंद्र वीर के व नटवर हीर के ऋणी है रस सिद्ध तुर तुलसी कबीर के और भूषण करोगे यदि काम कर दूसर का पाकिस्तान भेज देंगे टुकड़े शरीर के पाकिस्तान भेज देंगे टुकड़े शरीर के पाकिस्तान भेज देंगे टुकड़े शरीर के एक छंद पढ़ता हूँ उसके बाद एक चार दूसरों की छोटी रचना पढ़ूंगा उस छंद को एक भूमिका के रूप में रखना चाहता हूँ कि अगर हमारा देश इतनी बार बटा अफगानिस्तान में बटा म्यांमार में बटा पाकिस्तान बटा बांग्लादेश बटा लेकिन एक कौम में कहीं नहीं गई उससे आप सभी का समर्थन चाहता हूँ कि अफगान व ईरान पाक बांग्ला के बाद अलगाववादिभाव अभी भी बता नहीं और हमने जलाए सद्भावना के दिव्य दिव्य अंधकार रात के हृदय का छका नहीं और इतिहास साक्षी इस बात का रहा है सदा इतिहास साक्षी इस बात का रहा है सदा छल दम्भ द्वेष तेरे मन से घटा नहीं छल दम्भ द्वेष तेरे मन से हटा नहीं और वसुधा कुटुंब मानते हैं हम इसीलिए हिंदू राष्ट्र आज तक कहीं भी बता नहीं हिंदू राष्ट्र आज तक कोई भी बता नहीं हिंदू राष्ट्र आज तक कोई भी बता नहीं छोटी सी रचना पढ़ता हूँ वंदे मातरम को आधार बना करके जो व्यक्ति राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं वो व्यक्ति अगर भारत माता की जयकारे नहीं लगा सकते तब भी सोता हूँ चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि राहुल और मुलायम की जय करते हो दरबारों में राहुल और मुलायम की जय करते हो दरबारों में राहुल और मुलायम की जय करते हो दरबारों में नानी मर जाती है भारत माता के जयकारों में नानी मर जाती है भारत माता के जयकारों में अगर आपने
मजहब के ऊपर ईमान लिखा होता, अगर आपने मजहब के ऊपर ईमान लिखा होता, अगर आपने मजहब के ऊपर ईमान लिखा होता, चांद सितारों के झंडे पर हिंदुस्तान लिखा होता, चांद सितारों के झंडे पर हिंदुस्तान लिखा होता। एक मौलाना जी कहते हैं कि वंदे मातरम पे मैं फतवा जारी करता हूँ, सांप्रदायिक नहीं गाना चाहिए। दो पंक्ति अपने स्वाभिमान से पढ़ता हूँ कि मौलाना जी मजहब के प्रति इतने खुददारी कर दो, मौलाना जी मजहब के प्रति इतने खुददारी कर दो, माँ का दूध दिया हो तो मुझ पर फतवा जारी कर दो, माँ का दूध दिया हो तो मुझ पर फतवा जारी कर दो। दो पंक्तियाँ देकर के मैं एक उद्देश्य फरना चाहता हूँ, आपके समाज में एक उद्देश्य की पंक्ति रखना चाहता हूँ। वंदे मातरम को बनकर जब जब विसर्ग में मचलेगा, वंदे मातरम को बनकर जब जब विसर्ग में मचलेगा, वंदे मातरम को बनकर के जब जब विसर्ग में मचलेगा, जामा मस्जिद के भीतर भी ये सेवा।